बलजीत रेड्डू की वजह से जुड़ रहे, एक सच्चा ईमानदार नेता। बलजीत रेड्डू कितने आदमी लेकर चल रहे होगा? विघन के ले रहे हाजी हाजी आत्मा जी बदलाव के लिए आए हैं। क्यों गर्मी में तंग हो रहे हो आदि से? हमारी मेहनत यार है। हाँ बलजीत रेड्डू समाज सेवी आदमी भाई। बलजीत रेड्डू जी इस बोर्ड में आए हैं और भाई उनके काम देख के। नमस्कार, मैं आपके साथ अंशुल शर्मा, अभी मैं जींद में मौजूद हूँ। दीपेंद्र हुड्डा द्वारा यात्रा निकाली जा रही है और अभी मेरे साथ कुछ लोग बातचीत कर लेते हैं कि वो क्यों इस यात्रा में जुड़े हैं। मैं आपसे पूछूंगा जी, क्यों इस यात्रा में जुड़े हैं और इतनी गर्मी हो रही है फिर भी? गर्मी जी अपना यो बलजीत रेड्डू है जो करे, अब बलजीत रेड्डू की वजह से जुड़ रहे, एक सच्चा ईमानदार नेता जो सेवा कर रहे अपनी। अच्छा। उसमें विधान में आने से पहले अपनी सेवा कर रहा है, बाद में कितना काम कर सका अपने लिए। बलजीत रेड्डू ठीक है जींद में? हाँ एक नंबर का भाई। दीपेंद्र उठा के कुछ लग गया? दीपेंद्र उठा तो है अपने बलजीत रेड्डू के साथ है बाबा। आज ये कड़ाई इतनी गर्मी में कैल हो रहे हो और क्या करा जी होना पड़ा कैल? क्यों क्यों कैल हो रहे हो? बढ़िया आदमी है, समाज से आदमी है बलजीत रेड्डू। अच्छा हाँ। कितने की भीड़ मानो आज आ जाओ इसी दीपेंद्र की यात्रा मारी होगी? खूब भीड़ होगी जी, खूब खूब विघन है। बलजीत रेड्डू कितने आदमी लेकर चल रहे होगा? विघन के ले रहे हाजी। अच्छा समाज अभी है। अच्छा काम काज ठीक है? काम काज बहुत बढ़िया हाजी। के कुछ को भगा दी इस यात्रा में आया है? आज यात्रा में जी बदलाव के लिए आए हैं। बदलाव करोगे? हाँ जी। क्यों बदलाव चाहते हो आप लोग? 10 साल में क्या दिया है उनको? कुछ अच्छा। नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। बीजेपी वाले थे नुकारे भाई, हमने तो बिगन का काम मतलब दिया। आम समाज को तो नहीं दिया है। अच्छा। कहीं लाठी चार्ज है? किस पे लाठी चार्ज नहीं किया, सब पे किया। तो अब यही है कि लोगों की सोच यही होगी अच्छे अच्छे लोगों को लाएंगे। ये भाई बाइक सवार है भाई। भाई कैसे हो भाई साहब? क्यों गर्मी में तंग हो रहे हो आज इसे? हमारी मेहनत है यार। माँ भाई यात्रा में क्या कुछ सोच करके आए हो? भाई साहब कांग्रेस पार्टी सबका, भाई साहब कांग्रेस पार्टी सबका विकास करती है। अच्छा हाँ भाई साहब बढ़िया काम करेगी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल भाई। इस यात्रा तो लग गया अपने हरियाणा में कुछ बदलाव हो? जरूर भाई साहब, जरूर जरूर बदलाव होगा भाई साहब। अंकल जी हाँ जी, क्यों आज इस यात्रा में आए हो? अरे तुम तो बलजीत रेड्डू के लिए चल रहे हो। हाँ बलजीत रेड्डू समाज सेवी आदमी भाई। अच्छा हाँ, इतने मानस कुकर जोड़ लिए बलजीत ने? मानस आप जोड़न लायक रहे हैं, काम कर रहे हैं। लड़कियां खतर फरी में बस चला रखी 2-3 साल हो गए। ठीक काम है? हाँ बस स्टैंड पे टैंकर ला रखा जल का, कोरट में जड़े भी न्यू जरूरत है भाई। आज फलानी जगह कोई फंक्शन होना है तो पानी की सेवा बलजीत रेड्डू देवे है। हाँ ठीक काम है, बिल्कुल एक नंबर का। हाँ जी पलवान जी, के कहना चाहोगे आज इस यात्रा में? बढ़िया भाई, भाई बताओ, बताइए भाई। हाँ जी भाई साहब, आज इस यात्रा में आए हो, के सोच का आए हो? भाई साहब देखो बलजीत रेड्डू जी इस बोट में आए हैं और भाई उनके काम देख के, भाई देखो यात्रा फ्री है नी, जो अपनी लड़कियां भाई देखो पढ़ने जावे हैं, भाई प्लस टू कर दे बड़े भाई, और एक माता पिता पढ़ानी छोड़ दे था, लेकिन बलजीत रेड्डू ने मारेगा मम ईसा काम कर दिया भाई। मतलब प्लस टू के बाद भी एक माँ बाप ने सोचा है मारी छोरी पढ़ा नौकरी लग गए भाई, कामयाब हुआ है। और भाई सारा शहर मर गया। क्या लगता है आपको बलजीत रेड्डू की वजह से भविष्य बन रहा है लड़कियों का? हाँ भाई बिल्कुल, मम तो मानना भाई इस बात ने। अच्छा हाँ भाई, मारी कौन सा गाँव अपना भाई? अपना बहुत बड़ा गाँव है। बहुत बड़े गाँव में क्या कुछ माहौल है इसकी बार? भाई साहब सारा ही माहौल है बहुत तड़ा, नहीं हर कौन सा भी कौन चले जाओ हल्का जींद में भाई बलजीत रेड्डू का ही माहौल है। भाई बलजीत रेड्डू हाँ भाई, नू नहीं है भाई उनके साथ आया तो बड़ा ही है, बड़ा ही नहीं है भाई। अच्छा। हाँ बिल्कुल हकीकत है भाई, हकीकत की बात है। हकीकत है भाई, तो ऊपर माहौल है ही नहीं किसी का। अच्छा अच्छा है ठीक है, ठीक है जमा फरीब के बारे में जींद का कुछ माहौल रहा? मैं बीजेपी का था 1997 से, और आज छोटी है पिछले साल गले 6 महीने हो गए। अच्छा हाँ, जिले का भी प्रधान किसान मोर्चा प्रधान मिला बीजेपी। अच्छा। कोई काम नहीं करा मेरा, कोई काम नहीं करा, नहीं करा। इतने साल रह गए अभी? हाँ बिल्कुल। अरीब के लगा कांग्रेस में आए हो, आप काम करवा देगी कांग्रेस? देखो बनो ना बनो किस्मत का छोरा है, आगे पोस्ता बात की आगे जाके देखी जाएगी क्या होगा। हाँ जी का कई लाख रुपये खर्चा ला रहा अपने बीजेपी में, रोड पर भी था एक आदमी भी। अच्छा डांडा खेड़ी गांव के पूछ ले पूरा किसी भी। अच्छा हाँ मैं कांग्रेस पे बलजीत पे जोर ला किसी भी लौटे कट तो बाद कांग्रेस नहीं, कांग्रेस नहीं बिल्कुल बात है। आपको इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास बात लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए। कैमरा से होगी अंकुश के साथ, मैं अंशुल शर्मा, नमस्कार। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।